ये मिरर्स मैंने उतार ली है बाइक से। सो आप देख ही सकते हो कि ये पूरी तरह से टूट चुका है और ये आधा टूटा हुआ है। सो इन्हें अभी साइड में रख देते हैं। अब बाइक का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब तो ये नेकेड वुल्फ लग रहा है। अच्छे से देखो, मतलब मिरर्स निकाल के भी मतलब अच्छी लगती है, और नेकेड बाइक में जितनी कम एक्सेसरी होगी ये उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब देख लो फ्रंट से, बिना मिरर्स के साथ भी अच्छी लग रही थी, बिकॉज बिना मिरर्स के ज़्यादा नेकेड लुक आ रहा है। मतलब लुक इन्हेंस लग रहा है मुझे पहले से ज़्यादा, बिकॉज मैं बोर हो चुका था इन मिरर से और अच्छा हुआ टूट गए। अब ये ऐसा लुक दे रहा है, फ्री हैंड लग रही है बाइक ओपनली, जैसे मर्जी टर्न करो। बिकॉज जब मिरर्स थे तब यहाँ पे मुझे नीचे थोड़ा लगता था, मतलब डिसएडवांटेज टाइप लगती थी कि हार्ड टच हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन अब बिल्कुल फ्री हैंडल है, जैसे मर्जी इसको एकदम से मोड़ सकते हैं हम। एंड वन मोर थिंग, मैंने कल गोप्रो लिया है, उसके जो साथ में स्टिकर्स मिलते हैं वो एक स्टिकर मैंने यहाँ पे लगाया है, एक स्टिकर मैंने यहाँ पे लगाया है गोप्रो का। एंड ये रेड एंड ब्लू का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। एंड लास्ट वन एक यहाँ पे लगाया है।